ये दूसरा मॉडल है विलेट का, और इसका जो ओएस यूज़ होता है इसमें वो होता है एल्फेंजो ओएस, एल्फेंजो होता है या रिवर्क ओ, दोनों एक ही होते हैं। तो इसके लिए हम अगर इसको रीसेट करना है तो उसके लिए हम इसके ऑप्शन में जाएंगे, सेटिंग्स में। सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन है सिस्टम सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स के अंदर है फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री रीसेट सिस्टम रिकवरी, ओके करेंगे और इसको ओके कर देंगे। जब ये कुछ टाइम प्रोसेस के बाद ये दोबारा ऑन होगा और वो ऑन होगा सेटअप पे। इस तरीके से ये ऑन होगा रीसेट के बाद। अब जब हमारा टीवी फर्स्ट टाइम ऑन होगा तो इस तरीके से ये पेयरिंग रिमोट के लिए बोलेगा, जिस तरीके से बता रहा है मेन्यू और इन्फो की बटनों को थोड़ी देर के लिए दाब के रखना है। और जब तक कि ये एलईडी ब्लिंक ना करने लग जाए, और आप वहाँ देख रहे हैं तो उसके साथ पेयर हो गया है रिमोट। उसके बाद हम अपने टीवी के लिए एक नाम चूज कर सकते हैं यहाँ पर जो दिए हुए हैं, या फिर हम अपने से भी कोई भी नाम टीवी के लिए दे सकते हैं। हम अपना लिविंग रूम के हिसाब से सेट कर देते हैं। उसके बाद हमें आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे ये वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं या आगे चल के भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ओके करा। ये एल्फेंजो ओएस टर्म्स है, ये कुछ आप रीड कर सकते हैं, और उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे ओके करेंगे सबसे लास्ट में जाके। ये है कनेक्ट वर्चुअल असिस्टेंट, ये इसके अंदर एक इनबिल्ट फीचर है जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन के थ्रू भी टीवी को ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए आप ये क्यूआर कोड से स्कैन कर एक रिमोट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करते रहेंगे तो ये हम होम पेज पर आ जाएंगे टीवी के। ये टीवी का होम पेज है।